आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पत्रकारों की रचनात्मक, सकारात्मक और विकास परक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय PIB भोपाल द्वारा टीकमगढ़ के सिल्वर एस्टेट रिजॉर्ट में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कलेक्टर सौरभ कुमार, सुमन पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, CEO जिला पंचायत हर्षल पंचोली, महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ऋतुजा चौहान, सहायक सूचना अधिकारी सुश्री शेफाली तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण भी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। लोकप्रिय सांसद माननीय श्री वीरेंद्र कुमार पटेल जी, मंच पर उपस्थित मेरे कॉलीग पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री सुजानिया जी, प्रशासन और मीडिया का कहना परस्पर इस कार्यशाला के माध्यम से संवाद संपर्क का जो अभिनव शुरुआत की गई है और हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से ये कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। कल मेरे अपने नाम पर जिसे बात हुई तो हमारे कई मीडिया के प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे कई साथियों ने शिकायत की थी, उनका सूचना प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंचे। मेरा प्रियम कशल PIB का भोपाल से भोपाल ऑफिस से आया हुआ इसका टीकमगढ़ के मेरे प्रिय पत्रकार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम और PIB का एक बार बार धन्यवाद। इस पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की ओर से टीकमगढ़ के मीडिया पत्रकारों के लिए हमने एक वार्तालाप कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित किया है क्योंकि जिला प्रशासन के सहयोग से और दूरदर्शन और आकाशवाणी के सहयोग से कार्यालय ने आयोजित किया है। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्यों के मार्फत जिसका अमल होता है, इम्प्लीमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मार्फत ये इम्प्लीमेंट होती है, तो ये लोगों तक जब पहुंचती है तो इसके बारे में पत्रकारों को सेंसिटाइज करना ये एक प्रमुख उद्देश्य है। इन योजनाओं के बारे में फीडबैक जो है वो भी मीडिया से हम इस कार्यशाला के माध्यम से लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ पत्र सूचना कार्यालय का मीडिया के साथ जो है एक रिश्ता जो है हम बनाना चाहते हैं जो पत्रकारों के भी हित में होगा और पत्र सूचना कार्यालय को भी अपना काम करने में इससे सुविधा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।